तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे दोस्तों। और ये देखिए, आज हम सब्जी बना रहे हैं क्योंकि हमारे घर में सब्जी नहीं था, मतलब खत्म हो गया था दोस्तों। तो मेरे घर वाले बोले कि क्या सब्जी बनाओगे आज, तुम अपने पसंद का सब्जी बनाओ ऐसे करके। तो दोस्तों, मेरे मन में तो आया कुछ सब्जी बनाने का, तो आप बने रहिए वीडियो में। आपको तो दिखाऊंगी कि मैं क्या सब्जी बनाने वाली हूँ, और दिमाग अभी नहीं आ रहा क्या सब्जी बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। लेकिन ये बात है कि अभी बनाऊंगी कुछ सब्जी, ठीक है ना। आप लोगों को भी दिखाऊंगी, वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले प्याज काट लेते हैं। अब ये देखिए आलू, ये देख सकते हैं, अभी आलू को काटी हूँ और छोटा छोटा भी है, पतला पतला काटी हूँ। तो मैं अपने पसंद का सब्जी बनाऊंगी आज, अपना मेरे पति का फेवरेट। फिर ये देखिए प्याज में जल ही आ गया है, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पिसा हुआ हल्दी मसाला पाउडर, और क्या है कि धनिया पत्ती भी यहाँ बस रखी हूँ, और यहाँ टमाटर सब रखी हूँ। और मैं बनाऊंगी स्पेशल सब्जी, आप लोगों को भी नहीं दिखाऊँ बताऊंगी अभी, और आप लोग पूरा देखेगा वीडियो, और आप लोगों को पूरा लास्ट में आपको बताऊंगी कि आज मैं क्या सब्जी बनाई हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फिर चालू करते हैं बनाने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हम प्याज काट चुके हैं, ये देखिए, और आपको खुद पता चल जाएगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ अपना दिमाग से। तो चलिए फिर टमाटर काटना शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ बना के पूरा रेडी की हूँ, ये देख सकते हैं, ये देखिए। और ये क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो इधर देखिए आलू है, और यहाँ टमाटर करके रखी हूँ, और ये देखिए मिर्चा लहसुन प्याज, और देखिए धनिया पत्ती, और थोड़ा सा बेसन, ये भी बेसन ही है, वो भी बेसन ही है। तो ये देखिए हम पूरा कंप्लीट करके रख दिए हैं, और अभी हमारा चावल पक रहा है, अभी पक जाए उसके बाद हम इसको रेडी करेंगे बनाने के लिए, ठीक है ना। चलिए फिर। तो ये देखिए दोस्तों, हम चावल पसा रहे हैं, देखिए हम लोग इसको पसैया बोलते हैं, हम लोग गोई तरफ, और धनिया कोई तो माड़ बोलते हैं, हम लोग पसैया मतलब मैं पसैया बोलती हूँ। तो ये देख सकते हैं पसा रही हूँ, अब ये मेरे चावल भी हो गया, ठीक है ना। तब चलिए अब स्टार्ट करेंगे सब्जी बनाना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पहले भजिया बना लेती हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिएगा मेरा भजिया मैं कैसे बनाती हूँ। मैं जल्दी जल्दी नहीं बना पाती हूँ दोस्तों, एकदम धीरे धीरे बना पाती हूँ, क्योंकि कोई है तो जल्दी जल्दी फटाफट बड़ी के जैसे खोटाइज करते हैं ना, खोट लेते हैं, तो मैं वैसे नहीं करती हूँ, कहीं पता नहीं बिगड़ जाए, है ना। तो मैं धीरे धीरे बनाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा भजिया कितना मस्त तो छना रहा है, देख सकते हैं,
ये देखिए इसमें कितना अच्छा अच्छा कलर भी आ गया। तो चलिए इसको अब तक छनाए रहते हैं, पहले हमसे तो बात कर लीजिए जी। देख रहे हैं हम अभी टोपी लगाए हैं, टोपी में हम कैसे लग रहे हैं ये देखिए, ऐसा लग रहा है पता नहीं, कभी तो मैं लगाई भी नहीं थी टोपी है। तो क्या है कि मैं कभी तो टोपी लगाई नहीं थी, पहली बार तो यहाँ आने के बाद ही टोपी मैं लगाई हूँ, देख सकते हैं। और आप लोगों को मैं कैसे लग रही हूँ, टोपी भी पिंक, मेरा साड़ी भी पिंक और मेरे स्टॉल भी पिंक। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप लोग जो सपोर्ट करते हैं, है ना। क्योंकि मेरे को तो उतना ज़्यादा अच्छा बोलने तो आता ही नहीं है, लेकिन क्या करें, तब पर मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ बनाने के लिए। और आप लोगों को ऐसे ही दुआ धर्म रहेगा ना, तो मैं और अच्छा अच्छा मस्त वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के। देखें दोस्तों भजिया है तो लोटा के पानी में चला गया। ये देखिए कितना अच्छा मस्त आवाज सुनाई दे रहा है। और ये देखो मेरा बाबू आ गया यहीं पर। तो चलिए फिर बना के लिए स्टार्ट करते हैं, तो आपको पूरा दिखाएंगे और आप लोग बने रहिएगा। ठीक, तो ये देखिए दोस्तों हम भजिया छन तर लिए हैं, ये देख सकते हैं। और क्या है कि अब इसमें फोरन करेंगे जो जो हमको यूज मतलब करना है, ठीक है ना। ये देखिए प्याज काटी हूँ, तो चलिए मैं इसको लहसुन पहले डाल लेते हैं। तोर बेटा ढेरे रही सब ले छौ तू ले तो तानी ये देखिए हम जीरा भी डाल रहे हैं। भाग भाई भागो अरे अब ये अच्छा से मतलब लाल हो जाएगा, उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे, है ना। टमाटर मतलब कि इसको डाल देते हैं आलू के साथ। अगर आलू नहीं होना दोस्तों तो टमाटर है तो टमाटर भी बन जाता है। इसमें क्या है कि मतलब आलू बना रही हूँ ना, सबसे पता देखते अब इसको अच्छा से भून देते हैं पहले। तो ये देखिए दोस्तों मस्त भजा गया है बढ़िया से। और इसमें क्या है कि नमक डालूंगी, ये देखिए मसाला पाउडर, क्योंकि मैं मसाला पाउडर डाली हूँ। टमाटर डाल दे रही हूँ, Thank you.
थोड़ा सा पानी डाल दे रही थी मैं तो। चलिए इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ। ये देखिए अभी सब कुछ डला गया है, अब इसको ऐसे ढक देती हूँ कुछ टाइम तक, थोड़ा सा पक जाएगा ठीक है। चलिए फिर तो चलिए तो देखते हैं। ये देखिए इसको हम देते हैं टमाटर से थोड़ी देर तक, ये देखिए ये क्या है। आपको मैं बोलने वाली मतलब बताने वाली थी, बताई थी आपको आज क्या बनाऊंगी सब्जी, तो देखिए दोस्त आज कढ़ी बना रही हूँ। देखिए ये सब है, इसको पानी में से करके आज हम लाई हूँ। और ये देखिए ये भी हमारा हो गया है, तो इसमें पानी की जगह इसको डालेंगे। चलिए सब छोड़ देते हैं ठीक है ना। अब इसको टपक लेगा तो उसके बाद फिर हम डालेंगे भजिया को साथ में ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों आज मेरी बेटी भी आ गई मेरे पास, और क्या है कि हम देखें खा लिए थोड़ा कम हो गया भैया। तो अभी चलिए इसको हम इसमें पानी रख रहे हैं है ना, तो अभी इसको खोलते हैं। ये देखिए हमारा ये उबल रहा है देख रहे ना, और ये भजिया इसी में अभी डालूंगी। और आपको बोल रही थी ना दोस्तों कि क्या बनाना है, मतलब क्या बताऊंगी बोली थी आपको, फिर डिसाइड नहीं है कि क्या बनाऊंगी। तो दोस्तों ये देखिए हमारा कढ़ी है, ये हम कढ़ी बनाए हैं अपने अपने तरीके से जैसे हम बनाते हैं। मैं तो बनाई भी नहीं थी कभी, लेकिन देख के बनाई हूँ कैसे बनाते हैं। तो बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा कढ़ी। मैं तो उसको ढक रही हूँ थोड़ा सा, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि मेरा कढ़ी आप लोगों को कैसा लगा ठीक। तो ठीक है दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि अब इसको तो डाल चुके हैं, अभी बस इसको कुछ नहीं करना है, बस इसको उतारना है ना, और उतार के फिर खाना है। तो ठीक है वीडियो को ही एड करते हैं, मतलब कि हम यहीं से खत्म कर देते हैं। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका नाम है कढ़ी। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।